नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में मैं अनुराग दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल आया था कि हम बिना प्रेस कार्ड के, प्रेस कार्ड को आप भली बातें समझते होंगे, एक डिटेल वीडियो प्रेस कार्ड और आईडी कार्ड के अंदर आपको बनाकर बताया, आपको क्लियर समझ में आएगा प्रेस कार्ड में क्या अंतर है और एक आईडी कार्ड के अंदर क्या अंतर है और दोनों की क्या क्या प्लस है, दोनों के क्या क्या माइनस है, क्या क्या पावर है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं कि आप बिना प्रेस कार्ड के, सब्सक्राइबर का सवाल यह था कि हम बिना प्रेस कार्ड के मार्केट में इंटरव्यू लेना, कवरेज करना, रिपोर्टिंग करना, ये किस प्रकार से कर सकते हैं अगर हमारा न्यूज पोर्टल बना हुआ है और कवरेज करने अगर हम जाएंगे, कोई हमसे सवाल पूछता है पुलिस या अधिकारी, तो उसको हम क्या जवाब देंगे या उसके लिए क्या कार्य किया जा सकता है, ये वीडियो उसी टॉपिक पर होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा अच्छे से आपको जानकारी देने की, आपको पूरा ये विषय क्लियर हो पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अपना न्यूज पोर्टल रन कर रहे हैं, यहां पर इस चीज को विशेषकर जरूर समझिए कि न्यूज पोर्टल क्या होता है। कई लोग यूट्यूब को भी न्यूज पोर्टल बोलते हैं अपने यूट्यूब चैनल को, कई लोग अपने फेसबुक पेज को भी यूट्यूब चैनल अपना न्यूज पोर्टल बोल रहे हैं। दोस्तों इनमें अंतर समझिए, अगर आपको जानकारी प्रॉपर नहीं है, आपको एक स्क्रीन पर थंबनेल दिख रहा होगा, इस वीडियो को जरूर देखें, हमने डिटेल में समझा रखा है कि आपको न्यूज पोर्टल क्या होता है और एक यूट्यूब चैनल और इन चीजों में क्या अंतर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। दोस्तों इन चीज को पहले समझिए, फिर बात आ जाती है अगर आप न्यूज पोर्टल अपना रन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मीडिया का एक प्लेटफॉर्म के तहत आप उसके तहत काम करते हैं, तो न्यूज पोर्टल अगर आप रन कर रहे हैं, तो न्यूज पोर्टल का आपका प्रेस कार्ड नहीं है या न्यूज पोर्टल पंजीकृत नहीं है, तो मार्केट में आप बिना प्रेस कार्ड के इंटरव्यू करने या रिपोर्टिंग करने कैसे जा सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, कई लोग न्यूज पोर्टल लंबे समय से रन कर रहे हैं, कई लोग मीडिया के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि न्यूज पोर्टल बताते हुए यूट्यूब चैनल अपना चला रहे हैं, उसमें भी लंबे समय से काम कर रहे हैं। मतलब बात यह आ जाती है कि आप मीडिया के क्षेत्र का नाम लेकर या फिर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को आज तक यही जानकारी नहीं है कि एक न्यूज क्या होता है और गतिविधि क्या होती है। मतलब एक्टिविटी और रिपोर्टिंग के अंदर अंतर उन्हें समझ नहीं आता है, न्यूज के अंदर और एक्टिविटी के अंदर। तो दोस्तों इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है, आपको थंबनेल दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसे जरूर देखें, उसे समझें। वो मीडिया कर्मियों के लिए या फिर युवा मीडिया कर्मियों के लिए ही हमने उस वीडियो को बनाया है, इन चीजों को जरूर समझें। अब बात आ जाती है दोस्तों कि आपको अगर ये अंतर स्पष्ट है कि न्यूज क्या है, गतिविधि क्या है, तो आपको समझ में आएगा आप कहां कहां पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कहां कहां कवरेज कर सकते हैं और कहां कहां नहीं कर सकते। पर बात आ जाती है अगर आपको किसी आधिकारिक इंटरव्यू लेना है, कहीं किसी अधिकारी का इंटरव्यू लेना है, किसी राजनेता का इंटरव्यू लेना है, किसी सेलिब्रिटी का लेना है, अलग अलग सरकारी विभागों में जाना है, चर्चाएं करना है, तो उसके लिए आपके पास में पत्रकारिता से संबंधित अधिकार प्राप्त होना चाहिए या फिर प्रेस कार्ड होना चाहिए। अब अगर आपके पास प्रेस कार्ड नहीं है तो आप इंटरव्यू कैसे कर पाएंगे? तो दोस्तों आपको अगर न्यूज और गतिविधि का अंदर पता है तो आप कवरेज करने में आपको आसानी होगी, पर फिर भी आप कवरेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि आपके लिए ये जरूरी आवश्यक नहीं है कि आपके पास अपने न्यूज पोर्टल का ही प्रेस कार्ड हो। आपके पास अगर किसी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या किसी रजिस्टर्ड न्यूज चैनल, जो टीवी चैनल होता है, इनके भी अगर आप कोई संवाददाता या किसी पद पे हैं जिन्होंने आपको प्रेस कार्ड इशू किया हुआ है, उस प्रेस कार्ड को दिखाकर आप अपने पोर्टल के लिए भी कवरेज कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रेस कार्ड होता है, आपको 10 अलग अलग संस्थाओं के प्रेस कार्ड रखने या दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म जो कि नामी प्लेटफॉर्म होता है या लंबे समय से काम कर रहा है, प्रॉपर रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, आप उसके तहत अपना इंटरव्यू कवरेज करने मार्केट में फील्ड पे जा सकते हैं। कोई अगर आपसे आपका रोक टोक करता है, कोई अगर आपसे पूछता है, तो आप उस न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन जो कि आरएनआई रजिस्ट्रेशन होता है, आरएनआई विभाग के द्वारा होता है, और अगर आप के पास में किसी टीवी चैनल का पंजीयन है जो कि दूरसंचार विभाग द्वारा पंजीकृत होता है, बस इन दो ही अभी विभाग अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से अगर आपको प्रेस कार्ड मिला हुआ है तो आप अपने न्यूज पोर्टल के लिए भी कवरेज करने जा सकते हैं, मार्केट में इजीली काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यूट्यूब चैनल के लिए भी काम करते हैं तो भी आप इन दो प्रेस कार्डों की सहायता से आसानी से बिना किसी अपने प्लेटफॉर्म के नाम के प्रेस कार्ड के बिना काम कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात फिर से एक बार ये आ जाती है, कई लोगों के मन में ये भी और कंफ्यूजन भी है, और कई लोग ऐसे मार्केट में भी आपके संपर्क में भी शामिल होंगे चूंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि मार्केट में प्रेस कार्ड इशू कर रहे हैं अपने न्यूज पोर्टल का और उसपे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का
नाम लिख रहे हैं या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं, दोस्तों ये इलीगल है। आपको जब इस चीज के लिए दंड भी हो सकता है, समस्या भी आ सकती है, क्योंकि एमएसएमई पंजीयन कहीं से कहीं तक भी पत्रकारिता से संबंध नहीं रखता। उसके लिए डिटेल वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। हमारे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि है न्यूज पोर्टल या यूट्यूब चैनल का पंजीयन, उसे जरूर देखें, आपके लिए काफी ज्यादा मददगार होने वाला है। पर इस वीडियो में आपको ये टॉपिक समझ में आया हुआ होगा कि बिना प्रेस कार्ड के या फिर अपने पोर्टल के या यूट्यूब चैनल के बिना प्रेस कार्ड के आप मार्केट में कवरेज किस प्रकार से कर सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मन में कोई और भी डाउट रह गया हो तो आप हमें अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आप इसी नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं, अपना सवाल लिखकर अपने नाम के साथ भेजें। कॉन्टैक्ट नंबर है 7999906109। इसी नंबर के ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। बेहतरीन सर्विस और सपोर्ट के साथ में आपको न्यूज पोर्टल बनाकर दिया जाएगा। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया है। पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।